हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूँ हमारे नई इस वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया था तो आज हम चल रहे हैं अभी और कमला ब्रिज के बारे में बताते हैं और वीडियो नहीं डालने का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आप देख लेना कि क्यों नहीं मैं वीडियो डाल रहा था और क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो वीडियो मैं बना दूंगा। अभी आप चलो मेरे साथ घूमने के लिए और मैं कमला ब्रिज चल रहा हूँ। कमला ब्रिज पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर करने को है और मछुआरे अगर मछली मार रहे होंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी मछुआरे मछली मारते हैं, प्रॉपर है नहीं। और अभी हम देखेंगे कि वहाँ पर बाढ़ का क्या स्थिति है, पानी जो नेपाल छोड़ा है तो कितना छोड़ा है, क्योंकि सुन रहे हैं कि ज़्यादा पानी आ गया है। तो अभी हम चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए है। तो चलिए हमारे साथ आप भी कमला ब्रिज पे और दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या क्या देखने लायक है। फ्रेंड्स, अभी हम ये कमला नदी जो कहते हैं कि कमला रिवर है वहाँ आ गए हैं और अभी आपको हम दिखाते हैं कि आगे थोड़ा बहुत पानी आ गया है। बरसात आया है तो पानी आएगा ही, क्योंकि नेपाल जब पानी छोड़ता है तो यहाँ पे पानी आता है। ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा, कितना अच्छा ब्रिज आप देख रहे हैं कि कितना शानदार ब्रिज बना हुआ है। और आपको यहाँ पर दिखाएँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमला नदी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कमला नदी पुल संख्या 88, अनागृत रूप से पुल पार करना दंडनीय अपराध है। यहाँ पे लोग पुल पार करते हैं यहाँ पे, जबकि दंडनीय अपराध है और पुल नहीं पार करना है, लेकिन तब भी अभी ट्रेन आ नहीं रही है। हमने पता लगाया है सूत्रों के हवाले कि ट्रेन अभी नहीं आएगी, ट्रेन का आवागाही बंद है अभी। तो अभी हम चलते हैं और इस पर देखते हैं आगे कि क्या है यहाँ पर अभी और पानी का क्या स्थिति है, पानी ज़्यादा है कि कम है, वो भी अभी हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं और चलते हैं अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। ये जो आप पुल देख रहे हैं कितना अच्छा और शानदार, मतलब देखने में भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हम फोटोग्राफी भी करते हैं, तो फोटोग्राफी के लिए अंकुश क्लिकोग्राफी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इस पुल का कुछ फुटेज वहाँ अपलोडेड है और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा पानी है नहीं। बहुत लोगों ने बताया कि काफ़ी पानी आ गया है, तो अभी हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना सारा पानी, लेकिन छोटा अभी, मतलब बहुत कम पानी है, पानी का मात्रा कम है। और इस पुल पे लोग आते जाते हैं और पैदल व्यवस्था बना दिए हैं इन लोगों ने, लेकिन पैदल जाने आने का अभी है नहीं ऐसा कुछ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग इस पे चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दंडनीय अपराध है, पकड़े जाने पे चालान देना पड़ सकता है रेलवे को, लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले पता किया कि ट्रेन का आवाजाही बंद है। तो अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे आगे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं ताश वाश, यहाँ पे ताश वाश भी खेलते हैं, तो लेकिन वो सब चीज़ अपराध का एक तरीके से माना जाता है। तब भी अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ से कि क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको देखा है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। इस मीटर से हमें पता चलता है कि पानी का क्या मतलब कितना पानी ऊपर है, जैसे 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पानी का मात्रा पता चल जाता है कि कितना पानी बढ़ा घटा, यहाँ से माप लिया जाता है। उसके बाद आगे और हम चलेंगे जहाँ पे गूगल के थ्रू पता किया जाता है। गूगल पे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि यहाँ पे बाढ़ का पानी का स्तर क्या है, तो वो भी आगे मीटर लगा है, वहाँ से हम बता देंगे कि आपको दिखाएंगे कि कहाँ से वो टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद एक और मीटर होगा जो कि ब्रॉडकास्ट वहाँ से होता है, वो सब भी हम दिखाएंगे। पानी आप देख रहे होंगे कि नदी में क्या है और साइड से पुल का नज़ारा देखिए, पुल का नज़ारा इस टाइप का है। अभी हम और आगे चलते हैं, अभी वो भी दिखाएंगे आपको। और बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं वैसे घूमने के लिए भी, एक नियर में यही है जो लोग मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं शाम को, और यहाँ पे लोग शाम को ऐसे ही मनोरंजन के लिए आते हैं। और वातावरण भी बहुत अच्छा है, शांति है और ग्रीनरी तो है ही, घर है ही नहीं, लोग हैं ही नहीं, और पॉल्यूशन तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही लोग जैसे कहते हैं कि बीच, तो ये इन लोगों का बीच है, जैसे कि हम लोगों का भी ये बीच ही समझिए एक तरीके से, हमारे झंझारपुर का बीच है, तो यहाँ पे आके लोग एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी बना सकते हैं, लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे लोग आ सकते हैं आराम से, खाना पीना बना सकते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है और पिकनिक का भी स्पॉट यहाँ पे बहुत सारा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बनाया हुआ है, बहुत प्लेन कर दिए हैं, अभी तो थोड़ा पानी वानी आ गया, कीचड़ वीचड़ हो गया है, लेकिन
लेकिन उस साइड में जाके आप पिकनिक विकनिक का भी सिस्टम कर सकते हैं। 5-10 लोग यहाँ आके पिकनिक बना सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं गर्मियों में, और हवा भी आता रहता है। तो अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है आगे, आपको वो भी दिखाएंगे जिससे बाढ़ का स्तर पता किया जाता है कि कितना पानी ज़्यादा है कम है नदी में, वो सब आगे जो मीटर है उसके थ्रू, जो डिजिटल मीटर लगा हुआ है उसके थ्रू अभी हम बताते हैं आपको। अभी मैंने आपको बता रहा था कि जो यहाँ पे डिजिटल जैसे कि बाढ़ का स्तर पता किया जाता है वो मैंने आपको भी वहाँ पे बताया, वो यहाँ पे आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सिस्टम लगा है ये सोलर पैनल लगा हुआ है, और यहाँ से जो बाढ़ का मीटर पता किया जाता है इससे में क्या वो लगा हुआ है, एक मीटर है जो डिजिटल टाइप का है, जो नीचे पानी का स्तर क्या है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल का बैटरी इसमें सेटअप किया हुआ है, इसके थ्रू इसमें बैटरी लगा हुआ है और सोलर पैनल के थ्रू यहाँ पे सैटेलाइट, और आगे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको वो जो लगा हुआ है छत्ता वो सैटेलाइट का है, वहाँ से सैटेलाइट का पता चलता है वहाँ से कि क्या मतलब ऑटोमेटिक वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू होता रहता है, गूगल पे सिंक होता रहता है, जो कि गूगल पे आपको हर टाइम बताता रहता है कि पानी का क्या स्तर लेवल है, पानी का लेवल कम है या ज़्यादा है, वो आपको गूगल के मैप के थ्रू या फिर आप गूगल पे फ्लड के रूप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट हैं वहाँ पे वो सिंक होता रहता है। और अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, पानी का भी उतना बहाव कम है, पर पहले से बेटर है क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने आया था तो यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था, और अभी पानी देखा जाए तो पानी का स्थिति थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे भी थोड़ा सा देखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, और क्या है नहीं है, नीचे भी जाने की कोशिश करेंगे, पानी देखते हैं कि अगर कम है तो अभी थोड़ा सा मज़े भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या अभी नीचे जाके हमें क्या उपलब्धि मिल सकती है। तो चलिए अभी हम नीचे चलते हैं। मैं अभी पूल के नीचे आ गया हूँ और नीचे से आपको दिखा रहा हूँ कि ये पानी का इधर है, पानी अभी है थोड़ा बहुत, और नीचे से आप देख सकते हैं कि ये पुराना पूल है जो कि झंझारपुर को कनेक्ट करता है। पहले एक ही पूल रह हुआ करता था, अब एक हाईवे भी बन गया है, तो अब कनेक्टिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले बाढ़ वाड़ आता था तो यहाँ पर रोक दिया जाता था और इस पे कनेक्टिंग वाला भी रूट बंद हो जाता था पहले, अब यहाँ पे आप आराम से इस रूट के थ्रू भी आ सकते हैं। इसके बाद उसके बाद आप NH-57 के थ्रू भी आप जा सकते हैं। मैं अभी पूल के नीचे हूँ और अभी यहाँ पे एक फिशरमैन है, फिशरमैन भी मैं अभी यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे, वहाँ पे फिश मार रहे हैं तो जाल बिछा के। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं कि जाल बिछाने के बाद वो कैसे मछली को पकड़ते हैं। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं आगे, और रास्ता थोड़ा सा कठिन है लेकिन तब भी हम यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों के लिए, इंटरटेन के लिए हमको बहुत कठिनाई अभी करना पड़ सकता है, लेकिन अभी हम जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे कितना मछली उनसे पकड़ाता है। तो अभी हम चलते हैं, देखिए कितना मतलब रूट सही नहीं है जाने का, और वो अभी जाल फेंके हैं तो एक दो बार वो जाल फेंकेंगे। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। अभी हमें इस रास्ते से जाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैर का निशान है, अभी एक भैया गए हैं सामने से, तो अभी हमें उनके थ्रू फॉलो करना है और हम स्टेप बाय स्टेप अपना पैर रख के जाएंगे और थोड़ा सा चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे कैसे वो मछली मारते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, ये पानी के बिल्कुल किनारे के पास है, पानी है, पूरा पानी बह रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा कि ये मछुआरे यानी कि फिशरमैन जो अभी पानी में जाल फेंकेंगे मछली पकड़ने के लिए, तो इनको जाल फेंकने का कितना अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से ये जाल फेंकते हैं, और कितनी मछलियाँ फंसेगी ये मुझे भी नहीं पता, और शायद इनको भी नहीं पता कि पानी के अंदर क्या है, लेकिन ये जाल फेंकेंगे। जाल फेंकने का तरीका आप देखिए, मैं इनसे रिक्वेस्ट करके एक बार इनसे जाल फेंकवा रहा हूँ, देखिए आप इंटरटेन करिए। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, इस टाइप का बहुत सारा वीडियो मैं बनाऊंगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो पे बने रहिए। Thank you.
ये जो आप देख रहे हैं ये नया पुल बना है, और नया पुल के नीचे देखिए आपको मीटर और पानी का थोड़ा सा रफ्तार भी आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि पानी का फ्लो है अच्छा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कितना नीचे है, अभी 49 मीटर लिखा हुआ है। तो अभी हम एक दो दिन में देखते हैं कि क्या अगर नेपाल पानी छोड़ेगी तो यहाँ पे भी, और आपको दिखाएंगे। ये चीज़ देखना, ये चीज़ याद रखना कि ये अभी नीचे का पाया दिख रहा है, जब पानी भर जाता है तो कितना ऊपर तक और इस पुल पे भी क्रॉस करता रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी वाड़ी भी क्रॉस हो रहा है, उसके बाद गाड़ी भी क्रॉस नहीं हो पाता है, और पानी का अभी नीचे जो है ना जलस्तर नीचे है और ये ऊपर आ जाता है तो फिर भर जाता है। अभी आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये सब ढक जाता है और इस पर पानी का फ्लो बहुत तेज होता है। तो अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे घर पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप हमारे चैनल पे जितने भी सारे वीडियो हैं आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो जो भी पसंद आता है, जो अच्छा लगता है, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा है। तो आपके हाथ में सब कुछ है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो का प्रमोशन होता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी हमारे चैनल का लिंक लगा सकते हैं, तो आप लोग लगा लीजिए। आप लोग के कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम वीडियो ऐसे ही अच्छा अच्छा बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।